do was. हेलो व्यूअर्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैनवा में कैसे हम किसी भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। हालांकि पहले हमने आपको वीडियो बनाना बताया था और उसमें भी ट्रिम और एड टेक्स और एनिमेशन बताया था, लेकिन आज हम एडिटिंग करने के लिए आपको वीडियो में बता रहे हैं कि कैसे आप बने बनाए वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई एनिमेटेड वीडियो लेना पड़ेगा जो आप पहले से बना हो वीडियो। तो हमने एक ये वीडियो लिया है। वीडियो लेने के लिए यहाँ अपलोड में जाइएगा, पहले से फ्री का बना वीडियो ये यहाँ से उठाकर ले आइएगा। आपको हम बता देते हैं कि हमने कैसे इसको ट्रिम किया है। यहाँ पर जब आप जाइएगा तो देखिए इतना ढेर सारा आ रहा था, तो इधर से पकड़ के जब इसको यहाँ से ऐसे खींचेगा तो ये वीडियो ट्रिम हो जाएगा और आपका वीडियो छोटा बन जाएगा। अभी हमने क्योंकि ऑलरेडी ट्रिम कर रखा है तो ये वीडियो यहाँ पर लिया। ये आपका वीडियो जो है इसको ये देखिए ये चल रहा है, आप इसको चेक कर सकते हैं। हमने एक ही क्लिप ली हुई है जो चल रही है। तो हम अब कैनवा का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आप डिफरेंट क्लिप को यूज़ करके अपने कैनवा को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं हर पेज पे टेक्स अलग आ जाए और इसमें एनिमेशन आ जाए, तो यहाँ पे बाउंस एनिमेशन लगा हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बस्ट कर सकते हैं, या आपको टाइपराइटर यूज कर सकते हैं, या आप जो भी चाहें यहाँ पर पैन कर सकते हैं बाई तरफ जाए, या डिफरेंट ढंग से टेक्स को आप ला सकते हैं। अब नेक्स्ट फिर हमने उसी वीडियो को लाए और यहाँ पर ये देखिए 10 सेकंड का ये ले रखा है, तो इसको आप और छोटा भी कर सकते हैं। हमने और छोटा कर दिया। अब देखिए शिप यहाँ पर चल रहा है, तो साथ में इसमें एनिमेटेड क्लिप भी हमने डाल दी। क्लिप में हमने यहाँ पर पैन किया तो हमारी शिप जो है वो राइट साइड में जा रही है। ये देखिए एक ऊपर जा रही है, एक राइट साइड में जा रही है। तो आप इस तरह से क्लिप्स भी डाल सकते हैं। उसके अलावा एनिमेटेड फिगर आप डाल सकते हैं। ये एनिमेटेड फिगर हमने यहाँ पर जब आप बर्ड लिखिएगा तो एनिमेटेड यहाँ पर जीफी में जा करके देख लेते हैं ये, या पिक्सावे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं एनिमेटेड बर्ड, तो ये देखिए डिफरेंट बर्ड्स आ जाएगी। उस समय जब हमने डाला है तो वही वाली बर्ड मिली हमको। आप और भी इसमें से यूज करके जीफी में से डाल सकते हैं। तो वो सूदिंग की उसके हिसाब से थी तो हमने उसको डाला। यहाँ से ये वाली बर्ड्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको ये लेते समय ध्यान देना है कि फ्री होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो विदाउट फ्री होगी तो उसमें आपको स्ट्राइक आ जाएगी। अब ये जैसे ये वाली है आप इनको डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यही वाली सूदिंग लग रही है। तो इसमें देखिए डिफरेंट एनिमेटेड एनिमल्स आ रहे हैं, आप इनको इसमें ऐड कर सकते हैं। ये गलती से आ गया, इसको हटा देते हैं। ये देखिए ये वाली आप डाल सकते हैं। तो डिफरेंट इसमें एनिमेटेड आ रही है, जो आप डाल दीजिएगा वो यहाँ पे आ जाएगी। मेरे में यही सूट कर रही है तो हमने यही डाला है इसमें। और आप पिक्साबे से भी ले सकते हैं, यहाँ पर एनिमेटेड बर्ड आप लिखिएगा जब, तो देखिए क्या आता है। बर्ड हमने इसलिए लिया है कि वो उड़ता हुआ अच्छा दिखेगा।
तो ये एनिमेटेड नहीं है, ये केवल पिक्चर है। उस समय हमको अच्छा मिल गया था एनिमेटेड बर्ड, तो हमने डाल दिया था। और इसमें देख सकते हैं आप जिफी में, हर समय डिफरेंट इसमें आता रहता है, आप जो ढूंढिएगा उसके हिसाब से आप कर पाइएगा। ये देखिए जैसे ये बगुला है तो ये यूज कर सकते हैं, लेकिन शिप के साथ ये मैच नहीं करता है ना, क्योंकि शिप के साथ तो उड़ता हुआ स्वान ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से एनिमेटेड डालकर हम लोग ने इसको बनाया। ये वाला डाल सकते हैं आप, अब ये आया, लेकिन ये भी मैच नहीं कर रहा, तो इसको मैच नहीं कर रहा तो इसको यहाँ करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दीजिएगा, अगर कट जा रहा है। ये सूट नहीं करेगा तो इसको हटा देते हैं, वही अच्छा लग रहा है, कोई भी कायदे का और नहीं मिल रहा है। सील मछली चल रही है, ये ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। अब इसको ऐड कर तो करेंगे, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा चिड़िया है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है जब आप ये यूज करिएगा तो ये कितना दिखे ये इस पे आप पे डिपेंड करता है। ये देखिए ताप कम कर देते हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी दो उड़ रहे हैं तो फिर ये सूट नहीं करेगा, तो इसको हटा देते हैं। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब आया जब हमारे ये एनिमेटेड बर्ड भी यूज हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग एक्स यूज किया, क्लिप यूज किया और एनिमेट किया, और उसके बाद हम लोग डाउनलोड करना सीखेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्लिप भी यूज हो गया, जब तो डाउन एनिमेटेड क्लिप और विदाउट एनिमेटेड क्लिप को कैसे हम लोग ने करा। अब इसके बाद इसको डाउनलोड करना सीखेंगे, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे शेयर पे जाइएगा और डाउनलोड करिएगा, तो वो पूछेगा कि आपको सात के सातों पेज करने हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है, और MP4 फॉर्म में वीडियो को डाउनलोड करेगा, तो हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, तो और अगर आपको ये मेरा वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस बेल दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे सब्सक्राइब लगाने के लिए अगर यहाँ पे आप सब्सक्राइब लिखिएगा तो आपको सब्सक्राइब भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट सब्सक्राइब का एनिमेशन भी मिल जाएगा, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। हमने सिंपल लगाया है प्रेस बेल और सब्सक्राइब। So this is all to the viewer. If you like this information, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer. Follow my all social media link. Join my Telegram channel Tech Ratan.
एंड गो टू द कम्युनिटी टू आंसर ऑन पोल, थैंक यू। अब यहाँ पे ये देखिए आप लिख सकते हैं जनवा एडिटिंग वीडियो। मेरे ख्याल से आपको सारे तरह की एडिटिंग अब आ गई होगी और आप कैनवा में अपने अच्छे वीडियोस बना पाइएगा। डिफरेंट सोशल मीडिया पर भी डिफरेंट वीडियो बनते हैं इसमें। इसमें बहुत अच्छा ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, तो आप उसको फ्री वर्जन, हमने रेफरेंस लिंक दिया है अपने वीडियो में, उससे डाउनलोड करिए और सीखिए।